रखा है उनको यहाँ एक पहाड़ी पर उतारा गया था जिसके सबूत या निशान आज तक भी देखने को मिल जाते हैं। बड़ा पहला निशान दोस्तों, इसके अलावा ऐसे नबी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए अवतार में पंडित ब्रोज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता, हम आपके लिए काफी लोकप्रिय वीडियो लाते हैं, दोस्तों वो आपको पसंद भी होती है। दोस्तों इसी तरह हम आज भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाए हैं। और दोस्तों उस वीडियो का टाइटल है, क्या हिंदुस्तान में भी अल्लाह के कोई नबी पैदा हुए थे और उनकी कब्र कहाँ है। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल सुना, और टाइटल सुन के मैं भी बहुत शौक रह गया, मतलब कि हमें भी जानने की इच्छा है कि क्या इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में भी कोई अल्लाह के नबी आए थे या नहीं, वो इस वीडियो में आज पता चलेगा। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अल्लाह ने 124,000 नबियों को अलग अलग दौर में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, जो कि अलग अलग वक्त में अलग अलग कौमों की हिदायत के लिए आए। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम या जगह नहीं है कि जहां अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपना नबी ना भेजा हो। अच्छा, इंसानी तारीख में जहां जहां भी इंसानी सभ्यताएं पैदा हुई वहां वहां अल्लाह के नबी भी आए। लेकिन कुरान मजीद में कुल 25 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं, जबकि कुल नबियों की तादाद 124,000 बताई गई है। लिहाजा बाकी के नबी कहां, कब और किस दौर में आए, इसका कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं मिलता। कुरान के अलावा अगर दूसरी आसमानी किताब जैसे तौरात, इंजील में आए नबियों के जिक्र को भी मिला लिया जाए तो इंसान 100 से ज़्यादा नबियों के नामों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जिस पर सबका यकीन है कि हर मुल्क हर कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा, और इसीलिए अक्सर आपके जहन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि क्या अल्लाह ने हिंदुस्तान में भी अपने किसी नबी को भेजा था, और अगर भेजा था तो वो हिंदुस्तान में कहाँ आए थे, उनकी कब्र कहाँ है, और क्यों आज के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नबी किसी पैगंबर के आने का जिक्र नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हमने आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये बात जिसे जानने के बाद आपको हैरानी होगी कि अल्लाह ने अपने पहले ही नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार हिंदुस्तान की ही धरती पर उतारा था। अच्छा? जी हाँ दोस्तों, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। कुरान करीम के अगर नजरिए से देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे पहली बार जबरे हिंद पर उतारे गए थे, यानी हिंदुस्तान का ये जो श्रीलंका वाला इलाका है उनको यहाँ एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जिसके सबूत या निशान आज तक भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा ऐसे नबी जिन्होंने सरजमीन हिंद का दौरा किया हो या यहाँ पर आए हो, इनमें एक नाम अल्लाह के पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी है। इस्लामिक विद्वानों और जानकारों की माने तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मकामात की ज्यारत करने के लिए सरजमीन हिंदुस्तान का दौरा किया था, यानी वो जगह जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उन मकामात की ज्यारत करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा हिंदुस्तान में भी अल्लाह के कई नबी आए होंगे, मगर कब, किस कौम पर, किस वक्त में, इसके बारे में हमें कोई पुख्ता डिटेल या सबूत नहीं मिलता। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कयामत के दिन ऐसे भी नबी मौजूद होंगे कि जिन पर उनकी कौम का कोई एक भी शख्स ईमान नहीं लाया होगा। लिहाजा आज के दौर में ये तलाशना कि अगर हिंदुस्तान में कोई नबी आए होते तो उनकी उम्मत के निशान क्यों नहीं है, ये तलाशना बचकानापन होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इस्लामिक स्कॉलर्स और विद्वानों का इसके बारे में क्या नजरिया है, उनके मुताबिक क्या हिंदुस्तान में भी कोई नबी आए थे, आइए देखते हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। जो सदूम और आबूरा की बस्तियों के जिम्मे और ये बहुत सी कौमों के साथ ऐसे अदाब आए, ये ना समझिए, ये तो चूंकि कुरान मजीद में मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ उन्हीं अकवाम का तस्करा है कि जिनसे अहले अरब वाकिफ थे, उन्हीं के आसपास कोई जनूब में, कोई शिमाल में, कोई मगरिब में, कोई आसपास जो कौमें आबाद थी उनकी तरफ जो रसूल भेजे गए, वरना ये कि रसूल और भी आए, वले कुल कौम हाद, हर कौम की तरफ हमने हादी भेजे। चुनाचे हिंदुस्तान में भी जिस इलाके में मेरा बचपन गुजरा है, जो अब हरियाणा कहलाता है, वो जिला हिसार, उसमें मुख्तलिफ मकामात पर थेड़ थे बड़े बड़े, यानी स्याह रंग की राख के टीले बड़े बड़े, उनको खोदते थे उनमें सामान निकलता था, मालूम होता था कि ये बस्तियां थी कभी किसी जमाने में। अच्छा। और उनके ऊपर ये अजाब इलाही आया, जैसे पोम्पियाई पर आया कि उसके ऊपर जो है वो लावा बरसा और पूरी की पूरी बस्ती जो है उस लावे के अंदर दब गई। इसी तरीके से इस इलाके में कोई रसूल आए हैं, और सरस्वती दरिया यहाँ का होता था बहुत बड़ा, वो दरिया भी गायब हो गया है। दरियाए गंगा जो है हिंदुओं के नज़दीक जो मुकद्दस है, ये बहुत बाद की शय है,
असल जो इनका मुकद्दस दरिया था वो सरस्वती था और वो गायब हो चुका है, उसका पता नहीं चलता है। अब उसकी वो तलाश कर रहे हैं, यही इलाका जिसमें से होकर वो दरिया सरस्वती गुजरता था। और मालूम होता है चूंकि ये मुकाशफा भी है कि ये जहाँ हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर मदफून है, ये वही इलाका है मशरकी पंजाब का। तो यहाँ आस पास कुछ मुकाशफात कुछ लोग 30 अम्बिया दफन है उस इलाके के, और मालूम होता है कि वो रसूल वहाँ भेजे गए थे, उस कौम के ऊपर फिर अजाब आया है, वो तलपट हुई हैं वो बस्तियाँ, और अब उनके वो थेड़ खड़े रहे हैं, वो जो है बड़े बड़े टीले हैं जिनको अब खुदाई कर रहे हैं तो नीचे से बस्ती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने कई नबियों को भेजा हो, लेकिन वो कहाँ, कब, किस दौर में आए और उनके नाम क्या थे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी या प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे में हम बस यही कहेंगे कि वो एक जमाना था, मगर अब वो कौम, वो लोग, वो वक्त भी गुजर गया, इसीलिए इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अगर अहमियत होती तो बेशक अल्लाह उनका जिक्र कुरान मजीद में जरूर करता, जैसा कि पहले की कौमों, कौम आद, कौम समूद, फिरौन, नमरूद और उनके दौर की कौमों का किया है। दोस्तों, आखिर में बस हम इसी नतीजे तक पहुंचे कि जितने नबियों और उनकी उम्मतों का जिक्र कुरान में आया है, उतना ही हमारे लिए जानना काफी है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, हमने वीडियो देखी और वीडियो आपने भी मदद मिलकर देखी होगी, और इस वीडियो में जो बताया गया है कि दोस्तों, ये बताया गया है कि जो नवी थे वो भारत में या हिंदुस्तान में आए थे, और दोस्तों उनका जन्म था वो श्रीलंका था। और दोस्तों, इस वीडियो में भी ये बताया कि टोटल 124,000 नबी थे, इतने मतलब उनके जो बाई प्रोफेट थे, उनके जो मतलब गुरु थे, उन्होंने उन भेजे थे। और दोस्तों, जो इसका जो पक्का प्रूफ है वो इस वीडियो में नहीं बताया गया है। हाँ दोस्तों, कुछ गिने चुने ही जो इनके प्रोफेट थे उनके बारे में बताया गया है, और दोस्तों जो इनके बारे में बताया उनके प्रूफ श्रीलंका में मिले, क्योंकि उनके पैर के निशान और कुछ और जो सबूत है वो मिले हैं। और जो जो दोस्तों हमने वीडियो के एंड में जो देखा, जो एक मौलाना जो नबी के बारे में, हिंदुस्तान के नबी के बारे में बता रहे थे, वो बता रहे थे कि आजकल थोड़े बहुत प्रूफ मिलते हैं, क्योंकि जो जलजला आया था, जो सैलाब आया था, उसमें सब कुछ खत्म हो चुका। और दोस्तों, जो ये वीडियो थी वो डॉक्टर इसरार अहमद जी की थी, और दोस्तों आपको भी पता कि वो कितने फेमस है और वो ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, और दोस्तों जो उनकी जो प्रिडिक्शन करी हुई बातें होती है वो सच निकलती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में, और उनके पास तो ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये भगवान ने इन्होंने नाम बता रहा, इतना वो इंपॉर्टेंस नहीं समझी, मगर इसका क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे दोस्तों जो इस्लाम धर्म है वो इंडिया में बहुत फुल रहा है, और हिंदू धर्म भी हमारे साथ कई सारे धर्म है जो इंडिया में फुल रहे हैं। सो दोस्तों, थी हमारी आज की वीडियो, आप पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में बनाएं। नमस्ते दोस्तों।